हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम जा रहे हैं अटल सेतु, जो कि कल ही ओपन हुआ है पब्लिक के लिए। तो अभी हम फिलहाल है BPCL के रोड पे, जो कि कॉटन ग्रीन का बैक साइड का रोड है। और यहाँ से बस राइट लेते ही अपना अटल सेतु चालू हो जाएगा। टोटल 21 किलोमीटर का रोड है गाइस। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और हमारे साथ है हमारे दोस्त, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, मायसेल्फ तुषार एंड हाजी बंद अनिकेत हियर। श्रेया सोचिता। और ये ब्रिज की एक खासियत है कि ये इंडिया का फर्स्ट लॉन्गेस्ट ब्रिज है, सबसे बड़ा। यस, सबसे बड़ा। और इसको इतना मटेरियल लगा है कि अपने पूरे अर्थ को 2 राउंड, पूरे कंप्लीट आप राउंड घूमेंगे तब ये जितना स्टील लगेगा उतना यहाँ पे स्टील लगा है। और सबसे मटेरियल में भी सबसे हाईएस्ट यूज मटेरियल है यहाँ पे। व्हाट, लेट्स सी। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे 250 रुपीज का टोल लगता है कार के लिए। और ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। ये बहुत पास में है यार ये अपने से। हाँ, आई शपथ। नहीं, पनवेल जाने के लिए हाँ, जो पहले 1 से 1.5 घंटा लगता था, और ट्रैफिक के टाइम में 2.5 घंटा। हाँ, वो भी चेंबूर का ट्रैफिक मोस्टली। ओहो, और ये है असली मजा साउथ मुंबई में रहने का। चल माच के इसका दिल माच होती काय पुणे ना 146। सो गाइस, अगर आप ये रोड से ट्रैवल करते हो तो यहाँ से पुणे सिर्फ 146 किलोमीटर है, जो कि हम नॉर्मल रोड से जाते हैं तो 186 किलोमीटर है, 184-186 किलोमीटर है, और यहाँ से सिर्फ 146। बॉस सुपर्ब। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे ब्रिज, जो भी बीच में आपको पोल दिख रहे हैं, यहाँ पे स्पीड डिटेक्टर्स दिखा रहे हैं, लगाए हुए हैं, और आपकी करंट स्पीड भी दिखा रहे। और दोनों साइड हमारे सी है। तो फिलहाल अभी लोग बाहर रुक के गाड़ी वगैरह रोक के फोटो वगैरह निकाल रहे हैं, बट ये अलाउड नहीं है गाइस, तो ध्यान रखिएगा। पीछे से पुलिस का वैन आता है और सबका फोटो खींच के लेके जाते लोग, फिर गिरेगा फाइन बढ़िया वाला। तो गाइस फाइनली हम लोग गाड़ी लगा दिए साइड पे सागरी सेतु पे, और आप जरा यहाँ का नज़ारा देखिए। ये साइड है मुंबई, और वो रहा वाशी और नेरुल का एरिया पूरा वो साइड में। और वहाँ पे सनसेट होते हुए आप देख सकते हो, सब लोग यहाँ पे आके मजे ले रहे हैं। ये एक इंडिया का अचीवमेंट है, लाइक मतलब इतना बड़ा ब्रिज समंदर के अंदर से कंस्ट्रक्ट करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत ही कम देश है दुनिया में जो ये कर पाए हैं। और इसमें है, पहुंच लो, और अभी इसमें इंडिया का नाम भी जुड़ चुका है। बाय।
तो गाइज अभी हम लोग उलवे से एग्जिट लेके अगेन आगे से यू टर्न लेके वापस इसी रास्ते से वापस जाएंगे, और यहाँ पे आने के लिए हमें हार्डली 15 मिनट्स लगे गाइस, 15 मिनट्स नॉट मोर देन दैट। होप अभी रिटर्न जाने के लिए हमें वापस से रास्ता मिले। क्या गार्डन, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, इनसे बात करते हैं कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन सब लोग अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ठीक है अभी 10 दिन थोड़ा ये होगा तो उसके बाद थोड़ा ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत नेसेसरी है ये रोड कि बहुत टाइम बचेगा अपना, बहुत ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, ट्रैफिक भी कम हो जाएगा और ये मजा भी आएगा ट्रैवल करने में, मजा भी आएगा। हाँ उनसे उनसे पूछिए पीछे, हमारा तो काफ़ी अच्छा था, मतलब जो भी हम लोग मतलब ट्रैवल करके आ रहे हैं अभी तो हमारा काफ़ी टाइम बचा, हार्डली हमको 15 मिनट्स लगे ज़्यादा ज़्यादा पूरा ट्रैवल करने में, और हम लोग अभी यू टर्न लेके वापस मुंबई रवाना हो रहे हैं, और जो सनसेट और जो बाकी सारे व्यू है सी के जो देख के मज़ा आ रहा है, बहुत ही काफ़ी उमदा एक्सपीरियंस था। खुद तो नहीं आए पर हम लोगों को फोन कर करके परेशान कर रहे हैं, कब तक आओगे ये पूछ के परेशान हो गए हम लोग। ये देखो कैसे हरकतें कर रहे हैं, देखो ये स्वप्निल है, कैसे हरकतें कर रहा है, ये नीलेश है, आए थे नावा शिवा ब्रिज पे, हम लोग शाम के टाइम पे ट्रैवल कर रहे थे और हम लोग 15 मिनट में उलवे पहुंच गए, अभी इतना अच्छा एक्सपीरियंस आया है और हम लोगों ने बहुत अच्छा सनसेट देखा है, बहुत अच्छा सनसेट था, आप व्लॉग में देखोगे ही वो, सो आप भी विजिट करो। तो गाइस नाइट में ऐसा व्यू है, बहुत ही बढ़िया लाइटिंग की है यहाँ पे, और हर एक पोल पे आप देख सकते हो तिरंगा बनाया हुआ है, ये इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है, सुपर्ब। गाइस यहाँ पे अटल सेतु तो पूरा पिकनिक स्पॉट ही बन गया है। गाइस ये व्यू देखिए, आंखों के सामने शेड चेंज हो रहा है सूरज का, नावा शिवा लिंक का टूर, और इसे अतल सेतु भी कहते हैं। आपको कैसे लगा ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा, और लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड वन मोर थिंग प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलिए बाय बाय।